अब बात करेंगे कॉर्पोरेट इंडिया की। हमारे साथ मिस्टर संजय डालमिया मौजूद हैं, जीएचसीएल के चेयरमैन। मिस्टर डालमिया, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। केमिकल सेक्टर की भी डेफिनेटली बहुत सारी प्रोजेक्शंस होंगी, आपके विशलिस्ट भी जानेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी संदीप भी मौजूद है, क्विकली उनसे जान लेते हैं कि सेक्टर के विशलिस्ट है क्या। बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। देखिए, केमिकल सेक्टर की जहाँ तक बात है तो फीड स्टॉक या तो फिर कच्चे माल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो काफ़ी हाई है, जिससे इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये चाहते हैं कि कच्चे माल के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाए, क्योंकि ऐसे कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनके ऊपर कच्चे माल के मुकाबले कम ड्यूटी लगती है। तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको सुलझाया जाए, जो पूरा सेक्टर है वो चाहता है। साथ ही साथ स्किल्ड लेबर की बात की थी, या तो फिर जो केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है इस इंडस्ट्री को, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कामकाज होने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स खुलें, ITIs खुलें, ऐसा इंडस्ट्री चाहती है। तो उससे कहीं ना कहीं इनकी जो लेबर से जुड़े इशूज़ हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे। R&D पर बड़ा खर्च होता है इस पूरे सेक्टर में, तो उसको जुड़ी हुई जो टैक्स की रियायतें हैं वो मिले, और साथ ही साथ अगर ये टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करते हैं उसके लिए भी सरकार की ओर से कुछ आवंटन जो है इस पूरी इंडस्ट्री को मिले, ऐसा इंडस्ट्री चाहती है। पेटेंट प्रोटेक्शन से जुड़े हुए कुछ रोड मैप्स के जो मामले हैं वो भी सामने आए, रोड मैप सरकार दे, ऐसा इंडस्ट्री सुनना चाहती है। और टेक्नोलॉजी से जुड़े उल्लंघन से बचने के लिए जो रोड मैप है उसकी मांग ये इंडस्ट्री कर रही है। साथ ही साथ कुछ SEZ स्कीम्स हैं जिसके ऊपर इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार उसे बढ़ावा दे, और बैट की जो दर लगती है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स है उसको इरोड कर रही है, जिस वजह से मैट हटे ये भी इंडस्ट्री चाहती है। और आखिर में GST एक बड़ा मुद्दा है पूरी इनफैक्ट इकोनॉमी के लिए ही, इस सेक्टर की जहां तक बात है तो वो चाहते हैं कि GST जल्द से जल्द लागू हो, कुछ जो टैक्स अनोमलीज हैं वो सॉल्व हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। मिस्टर डालमिया, अभी आपने सुना मेरे सहयोगी ने जो बताया कि केमिकल सेक्टर शायद यही एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, लेकिन आपके लिहाज से दो वो कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बार के बजट में, फिर चाहे वो टैक्स में कमी करने की बात क्यों ना हो, इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने की बात क्यों ना, या फिर तमाम दूसरे फैक्टर्स क्यों ना, आपके विशलिस्ट में टॉप 3 फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए, मैं इसको जरा दूसरे ढंग से पेश करना चाहता हूँ। ये तो जनरल चीज़ें हैं कि भी टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए, कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, ये तो बहुत लोग बोलते हैं और अलग अलग फिगर्स देते हैं। मेरा मानना यह है कि बजट जो है वो कोई खाली इसलिए नहीं होता कि आज ड्यूटी बढ़ा दो घटा दो, ये तो आप साल में कभी भी कर सकते हैं। सरकार के पास पूरा अख्तियार है कि ड्यूटी कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं। परंतु बजट का जो बेसिक रीज़न है कि जो इकोनॉमिक रोड मैप है उस पे सरकार की क्या पॉलिसी होगी, एक साल के लिए क्या होगी, लॉन्ग टर्म में क्या होगी, ये एक बजट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ अगर आपको मंजूर हो तो। जी ठीक है, डेफिनेटली मिस्टर डालमिया जो आपने बातें कही वो इम्पोर्टेंट हैं, और एक वाइडर अप्रोच लेकर शायद सरकार को कामकाज करना होगा, तभी थोड़ी क्लैरिटी आएगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप बताना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं वो आपके व्यूज जानना चाहती हूँ, और एक चीज ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी चैलेंजेस क्या फेस कर रही है इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो ग्रोथ है, कोई भी इकोनॉमी का पहला पर्पज़ यह है कि ग्रोथ क्या होनी चाहिए, क्या ये 4% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 8% होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमारा GDP जो है 7% 8% में अटका हुआ है। क्या हमारा GDP 10% हो सकता है? हो सकता है, अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कुछ बहुत कम है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी एनोमलीज है जिसको सरकार को देखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एग्रीकल्चर की एनोमली कल्चर से कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन शायद उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा अटकलें तो लगाई जा रही है कि इस बार जो बजट में पुश होगा वो एग्री फोकस या फिर इंफ्रा फोकस हो सकता है, और आपने यही दो बातें कही कि एग्री और इंफ्रा, इन दोनों पर ध्यान देना होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमने एक रिपोर्ट बनवाई थी शुगर इंडस्ट्री पे, जो कि टेक्सटाइल पे भी लागू होती है, अगर उसको रीऑर्गेनाइज करके हम अगर कर देते तो मेरे हिसाब से UP में गन्ना किसान की आमदनी 50% बढ़ जाती जी। तो अगर इसको हम पूरे देश भर में लें तो जो किसान है उसकी आमदनी अगर 50% बढ़ती है या 40% बढ़ती है, तो आप देखिए कितना बड़ा इकोनॉमी को पुश मिलता है।
ये बड़ा पुश है जो कि ज्यादा जरूरी है ना कि छोटा मोटा। यानी मिस्टर डालमिया, अगर 30 करोड़ जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि क्योंकि अब तक जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हैं वो अपने अपने सेक्टर्स की बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं कि उन कदमों पे ध्यान दें जिससे पूरी इकोनॉमी ग्रो हो। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है हम केमिकल्स की ना स्पेसिफिकली अगर बात करें और अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, आपने भी इंफ्रा की बात की, आपने एग्रीकल्चर की बात की, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन से वो 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको स्पेशली सरकार को एड्रेस करना चाहिए इस बार के बजट में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेयर द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, द फार्मर गिव्स द लेट्स से कॉटन एंड द कॉटन दे गेट अ प्राइस। आई एम सेइंग ऑल द इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री शुड बी ऑन द बेसिस दैट द फार्मर गिव्स द रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्री गेट्स अ फिक्स्ड चार्जेस एंड देन द फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय द कोऑपरेटिव ऑन द अमूल बेसिस। जिस तरह से अमूल को रीऑर्गेनाइज किया है मिल्क सेक्टर को गुजरात में, ऐसे ही हम सारे देश की जो एग्रो इंडस्ट्रीज है हम उसको उसी पे ले जा सकते हैं जिससे कि किसान की आमदनी 25-50% बढ़ सकती है। वो होने से आप देखिए कितना बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चर का, जो कंट्रीब्यूशन आज 2% ग्रोथ है और 2% जीडीपी में है वो 4% हो जाएगी जी। वो होने से कितना बड़ा इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, बिल्कुल, कितना बड़ा जीडीपी बढ़ने से इंडस्ट्री के लिए, तो आज जो 7% है वो 9%, 10% हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है जो कि ध्यान देने की है और इस पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि 2% ड्यूटी कम कर दो या बढ़ा कम कर दो या बढ़ा दो। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रो करे जी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज थे आपके मिस्टर डालमिया, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यू शेयर किए। लेकिन क्योंकि हम केमिकल सेक्टर की आज बात कर रहे थे तो एक बार संदीप से ये जान लेते हैं कि जो स्टॉक्स हैं इस सेगमेंट के उनकी परफॉर्मेंस पिछले बजट से इस बजट तक कैसी रही है, क्योंकि इतना तो फॉर श्योर है कि ये पूरा ही सेक्टर काफी बजिंग रहा है और स्टॉक्स आई एम श्योर चले भी हैं। संदीप, परफॉर्मेंस बहुत संक्षेप में, और एक स्टॉक जो कि आपको लगता है जहां पर अभी भी वैल्यू है। दिवाली 80 से लेके 225% तक के जो पॉजिटिव रिटर्न है इस शेयर, इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन्होंने डिलीवर किए हैं। इसमें आप कैम्फेयर वल्कलीज देखिए 224%, सुदर्शन केमिकल करीब 211% के आसपास भी रिटर्न हैं उस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। लेकिन इस पूरे स्पेस में जिसमें आप GHCL, कनौरिया केमिकल, बोदल केमिकल, गुजरात अल्कलीज, कैम्फेयर वल्कलीज, सुदर्शन केमिकल को लें, एक केमिकल स्टॉक जो मुझे सबसे पसंद आ रहा है वो है कनौरिया केमिकल का। देखिए एक तो इस काउंटर में जो पूरे सेक्टर में रहना पाया है उतना रहना इस काउंटर में नहीं देखने को मिला, बीते एक साल में केवल 6.5% बड़ा है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, ज्यादातर ब्रोकर्स अभी भी इस काउंटर के ऊपर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और ज्यादातर ब्रोकर्स मानते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं और क्रूड के प्राइस में रिकवरी आई है उसका फायदा इस काउंटर में देखने को मिलेगा। और अगर आप होल्ड करें बजट तक या तो फिर अगले कुछ महीनों के लिए तो 90 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सभी स्टॉक्स की ओर से रिटर्न्स आए हैं, लेकिन एक स्टॉक जहां पर वैल्यू अभी भी है वो है कनौरिया केमिकल, जहां पर ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस बुलिश भी हैं। शुक्रिया आपका संदीप ये एनालिसिस बताने के लिए।